3.2.2 ऊष्मा के प्रभाव। हम दैनिक जीवन में ऊष्मीय ऊर्जा के संचरण को देख नहीं सकते, किंतु ऊष्मा के प्रभावों को अवश्य अनुभव कर सकते हैं। ऊष्मा देने पर वस्तु का ताप बढ़ता है। जितनी अधिक ऊष्मा वस्तु प्राप्त करेगा, उतना उसका ताप बढ़ता जाएगा और पदार्थ में प्रसार होगा। पदार्थ की अवस्था में भी परिवर्तन संभव है। पहला, ताप में वृद्धि। क्या आपने कभी सोचा है कि धूप में पड़ी लोहे की बेंच लकड़ी की बेंच से अधिक गर्म क्यों हो जाती है? नदी किनारे की रेत दिन के समय गर्म लगती है, जबकि नदी का पानी गर्म नहीं लगता। किसी वस्तु को गर्म करने पर वह ऊष्मा अवशोषित करती है तथा उसका ताप बढ़ता है। ठंडे होने की प्रक्रिया में वस्तु में से ऊष्मा बाहर निकलती है तथा ताप घटता है। भिन्न भिन्न पदार्थों वाली समान द्रव्यमान वाली वस्तुओं को समान ताप तक गर्म करने के लिए भिन्न भिन्न मात्रा में ऊष्मा देनी पड़ती है। वस्तु द्वारा ली गई और दी गई ऊष्मा Q निम्न बातों पर निर्भर करती है। पहला, वस्तु के द्रव्यमान m पर, क्योंकि Q समानुपाती m, पहला समीकरण। दूसरा, वस्तु के ताप में हुए परिवर्तन डेल T पर, क्योंकि Q समानुपाती डेल T, दूसरा समीकरण। तीसरा, वस्तु के पदार्थ की प्रकृति पर, अर्थात Q समानुपाती m गुणित डेल T या Q बराबर m गुणित s गुणित डेल T, जहां s एक समानुपाती नियतांक है जिसका मान वस्तु की प्रकृति पर निर्भर करता है। इसे वस्तु के पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा स्पेसिफिक हीट अथवा विशिष्ट ऊष्माधारिता स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। समीकरण 3 से S बराबर Q बटे M गुणित डेल T। विशिष्ट ऊष्मा का SI मात्रक जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस होता है। यदि M बराबर 1, डेल T बराबर 1 हो तो Q बराबर S, अर्थात पदार्थ की विशिष्ट ऊष्माधारिता ऊष्मा की वह मात्रा है जो उस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान में एकांक ताप की वृद्धि कर सके। जिन पदार्थों की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, वे देर से गर्म होते हैं और देर से ठंडे होते हैं। इसी प्रकार कम ऊष्माधारिता वाले पदार्थ जल्द ही गर्म व ठंडे हो जाते हैं। सोचिए, यदि सभी पदार्थों की विशिष्ट ऊष्माधारिता समान होती तो क्या होता? चर्चा करें। पानी की विशिष्ट ऊष्मा की तुलना अन्य पदार्थों की विशिष्ट ऊष्मा से करें। अध्याय 3, प्रश्न। यदि 25 ग्राम कॉपर का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से 75 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए 487.5 जूल ऊष्मा देनी पड़ती है, तो कॉपर की जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस में व्यक्त विशिष्ट ऊष्मा क्या होगी? हल। हम देख सकते हैं कि प्रश्न में हमें ऊष्मा का मान कितना दिया हुआ है। ऊष्मा Q बराबर हमारे पास है 487, ऊष्मा Q बराबर हमारे पास है 487.5 जूल, द्रव्यमान m बराबर 25 ग्राम, विशिष्ट ऊष्मा s जो है वो हमें ज्ञात करनी है, s बराबर ज्ञात करना है, और ताप में परिवर्तन डेल्टा T ये कितना होगा? प्रश्न में कहा गया है कि 25 डिग्री सेल्सियस से 75 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ा, यानी कि 75 डिग्री सेल्सियस ऋण 25 डिग्री सेल्सियस, तो तापमान में परिवर्तन हुआ 50 डिग्री सेल्सियस का। अब चूंकि हम जानते हैं कि ऊष्मा Q बराबर होता है द्रव्यमान गुणित विशिष्ट ऊष्मा गुणित तापमान में
परिवर्तन यानी कि डेल्टा टी। तो अब हमारे पास जो मान है उसे हम इस समीकरण में रख सकते हैं। तो देखते हैं ऊष्मा का मान, सबसे पहले देखिए 487.5 बराबर द्रव्यमान जो है वो है 25 ग्राम, विशिष्ट ऊष्मा हमें ज्ञात करनी है और तापमान में परिवर्तन यानी 50। चलिए आगे हल करते हैं, चलिए आगे देखते हैं। तो हमने यह देखा कि मान रखने पर हमें प्राप्त हुआ था 487.5 बराबर द्रव्यमान 25 गुणित S गुणित ताप में परिवर्तन मिला था 50 डिग्री सेल्सियस का, और चूंकि हमें विशिष्ट ऊष्मा का मान ज्ञात करना है इसलिए हम इसे लिख सकते हैं S बराबर 487.5 पूरे के बटे 25 गुणित 50। तो S का मान हमें यहाँ से प्राप्त होगा 0.39 जूल प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। इस प्रकार यह प्रश्न हल हुआ। ऊष्मा धारिता हीट कैपेसिटी, ऊष्मा की वह मात्रा जो वस्तु के संपूर्ण द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक है ऊष्मा धारिता कहलाती है। यदि वस्तु का द्रव्यमान m तथा विशिष्ट ऊष्मा s है तब ऊष्मा धारिता बराबर द्रव्यमान गुणित विशिष्ट ऊष्मा बराबर m गुणित s। ऊष्मा धारिता की इकाई जूल प्रति डिग्री सेल्सियस होती है। मिश्रण का साम्य ताप, आपने दो बाल्टियों में नहाने के लिए पानी ले रखा है जिसमें से एक बाल्टी का पानी गर्म है व दूसरे का ठंडा। दोनों पानी का तापमान क्रमशः 80 डिग्री सेल्सियस व 20 डिग्री सेल्सियस है। अब आप एक तीसरी बाल्टी में 1 लीटर गर्म पानी और 1 लीटर ठंडा पानी मिलाते हैं, पानी के इस मिश्रण का ताप क्या होगा? यहाँ पर दोनों स्थितियों में पानी की विशिष्ट ऊष्मा एक ही मानते हैं अर्थात S1 बराबर S2 बराबर S। यदि मिश्रण का ताप T मान लिया जाए तो गर्म वस्तु द्वारा दी गई ऊष्मा बराबर M1 गुणित S1 गुणित ताप में कमी, जहां गर्म पानी का द्रव्यमान M1 है और T1 उसका प्रारंभिक ताप है, बराबर M1 गुणित S1 कोष्टक में T1 ऋण T। ठंडी वस्तु द्वारा ली गई ऊष्मा बराबर M2 गुणित S2 गुणित ताप में वृद्धि, जहां ठंडे पानी का द्रव्यमान M2 है और T2 उसका प्रारंभिक ताप है, बराबर M2 गुणित S2 कोष्टक में T-T2। ऊर्जा संरक्षण के नियमानुसार मिश्रण विधि से ली गई ऊष्मा बराबर दी गई ऊष्मा M1 गुणित S1 गुणित कोष्टक में T1-T बराबर M2 गुणित S2 गुणित कोष्टक में T-T2। चूंकि S1 बराबर S2 बराबर S है इसलिए M1 गुणित S गुणित कोष्टक में T1-T बराबर होगा M2 गुणित S गुणित कोष्टक में T-T2 के, अर्थात साम्य ताप T बराबर M1 गुणित T1 धन M2 गुणित T2 पूरे के बटे M1 धन M2, M1 T1 M2 T2 का मान रखने पर 1 गुणित 80 धन 1 गुणित 20 पूरे के बटे 1 धन 1 बराबर 80 धन 20 पूरे के बटे 2 बराबर 100 बटे 2 यानी कि 50 डिग्री सेल्सियस। अतः पानी के मिश्रण का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस होगा। चर्चा करें, उपरोक्त समीकरण में T1 ऋण T तथा T-T2 क्यों लिखा गया?